जनक नंदिनी एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज़ 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 नव जोश आ नव विश्वास मिथिलाक आवाज सांस्कृतिक आवाज ई जनक नंदिनी एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार, जनक नंदिनी एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज़ या सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहा एखनों के जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक शुरू करें एखन धरिक मुख्य मुख्य समाचारक शीर्षक से। बुध दिन नेपाल में एखन धरि के सबसे बेसी 3,439 गोटे संक्रमित थपायल, 15 गोटे के मृत्यु। सरकार द्वारा डॉक्टर केसी संगे वार्ता कर 3 सदस्यीय समिति गठन। बृहस्पति दिन से स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक आ कोविड बाहे के सब सेवा करत बहिष्कार। डॉक्टर केसी के समर्थन में बुध दिन जनकपुर धाम में युवा सब द्वारा विरोध प्रदर्शन। जाजरकोट जीप दुर्घटना में 6 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे बेपत्ता। राष्ट्रीय सभा में नियुक्त वामदेव के सुनवाई भेल अनिश्चित। केपी ओली के नेतृत्व में देश चरम निरंकुशता दिश से धकलायल, डॉक्टर भट्टराय के आरोप। चोरी के मोटरसाइकिल सहित महोत्तरी से 2 गोटे पकड़ायल। आ विश्व में हरेक 10 मध्य 1 गोटे के कोरोना संक्रमण भ सकत है, WHO के ठहर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में पछला 24 घंटा में थप 3,439 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार ई संख्या एखन धरि के सबसे बेसी है। मंत्रालय आयोजना केने नियमित कोरोना मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम एखन धरि 94,253 गोटे संक्रमित के संख्या पहुँचल बतौलन। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या एखन धरि 25,007 पहुँचल, प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलन। तहिना बुध दिन काठमांडू उपत्यका में थप 1 देखल गेल। काठमांडू में 1,296, ललितपुर में 293 आ भक्तपुर में 95 गोटे संक्रमित भेल से स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। तहिना पछिला 24 घंटा में 15 गोटे के कोरोना संग संबंधित कारण से मृत्यु भेल। मंत्रालय बीतला 24 दिन से अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी संगे वार्ता कर सरकार वार्ता टोली गठन कलक। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली के संयोजकत्व में गठित वार्ता टोली में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहसचिव डॉक्टर गुणराज लोहनी आ चिकित्सा शिक्षा आयोग के निर्देशक दिलीप शर्मा रहल शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी जानकारी दिलन। डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनित गेल आ हुनक निगरानी में खटल डॉक्टर सुभाष आचार्य जानकारी देने छथि। सत्याग्रही डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा के लिए नेपाल चिकित्सक संघ बृहस्पति दिन से आंदोलन के कार्यक्रम सब आगा बढ़ौलक। संघ एक विज्ञप्ति जारी कर डॉक्टर केसी के सत्याग्रह के 24 दिन पहुंचल रही तो सरकार वार्ता टोली गठन नहीं कर सकल कहते आंदोलन के कार्यक्रम आगा बढ़ौलक। बृहस्पति दिन से देश भर के स्वास्थ्य संस्था व अस्पताल सब भिनसर 9 से 11 बजे धरि देश भर के स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सब में आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार कर जनस्वास्थ्य के मापदंड अपना कर सामाजिक दूरी कायम करत धरना देवाक आ दोसर सूचना नहीं आब धरि कार्यपट्टी बांध कर रैली अनशन करबाक विज्ञप्ति में उल्लेख है। डॉक्टर केसी के सत्याग्रह अंत्य के लिए सहज वातावरण नहीं कराओल गेल अवस्था में शुक्र दिन देश भर के स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सब में आकस्मिक आ कोरोना के सेवा बाहक संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूप में बहिष्कार करबाक निर्णय कयल गेल। संघ जनौलक रवि दिन संघ डॉक्टर केसी संगे वार्ता समिति गठन कर 72 घंटे अल्टीमेटम देने छल। सरकार वार्ता के लिए कोनो चाँख नहीं देखलाक बाद संघ आंदोलन करबाक चेतावनी।
संघ एखनो नेपाल सरकार के कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह में उत्पन्न होबय जका गंभीर परिस्थिति प्रति गहन रूप में मनन कर अविलंब वार्ता टोली गठन क के वार्ता संवाद के माध्यम द्वारा सत्याग्रह के अंत कर सेहो विज्ञप्ति मार्फत आग्रह कलक। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग करत 24 दिन से अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के समर्थन में बुध दिन जनकपुरधाम में विरोध प्रदर्शन कैल गए। कोविड-19 क्विक रेस्पॉन्स टीम आ जनकपुरधामक युवा सबके संयुक्त आयोजना में स्थानीय रामानंद चौक में बुधक साँझ विरोध प्रदर्शन कैल गए। केसी के मांग जायज रहितो सरकार चाँख नहीं देने कहितो सब सड़क अवरुद्ध करत प्रदर्शन केने छल। डॉक्टर केसी के समर्थन एवं हुनक जीवन रक्षा तथा जायज मांग सब प्रति ऐक्यबद्धता आ संघीय सरकार के गैर जिम्मेवारीपन के विरुद्ध अपना सब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के नेपाल तरुण दल धनुषा के उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह जानकारी दिलन। ओ डॉक्टर केसी 19 बेर धर अनशन पर बैसल रही तो हुनक मांग पूरा नहीं है दुखद रहल बतौलन। ओ कहलन डॉक्टर केसी के कोनो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ओ आम नागरिक के लिए लड़ रहा है, हुनक समर्थन में संपूर्ण नेपाली जनता के आगा बढ़ के आवश्यकता है। स्वास्थ्य आ मेडिकल शिक्षा में सुधार तथा सुशासन के लिए डॉक्टर केसी 19 सत्याग्रह शुरू के ने बुध दिन धर 24 दिन पहुंच चुकल है। हुनक स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बने जा रहल है, मुदा सरकार एखनो हुनक मांग पूरा कराबा जीवन रक्षा के लिए कोनो पहल नहीं कलक है। डॉक्टर केसी व्यक्ति नहीं आवाज छथि, केपी ओली सरकार मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, हमर सबके स्वास्थ्य हमरे सबके हाथ में, हम सब डॉक्टर केसी के साथ में, लूट तंत्र बंद कर डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा कर, आवर रियल हीरो डॉक्टर गोविंद केसी, एत राजदूत के चिंता है हजूर की आहा सत्याग्रह सत्याग्रह चिचिया रहल छी, नागरिक सरोकार विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मेडिकल माफिया के दादागिरी बंद कर डॉक्टर गोविंद केसी के मांग पूरा कर लगाए तक नारा लिखल प्ले कार्ड सहित सब प्रदर्शन केने छल। विरोध प्रदर्शन में नेपाली कांग्रेसक नगर सभापति मनोज कुमार शाह, जीवनाथ चौधरी, वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह, क्विक रिस्पॉन्स टीम के डॉक्टर सज्जन ठाकुर, अनुज पांडे, दीपक ठाकुर, बलराम गुप्ता, बलराम शाह, रमेश यादव, कांग्रेस नेत्री समझना वर्मा, मधेश अधिकार संघर्ष समिति के सरोज कुमार मिश्र, यान के राहुल राज यादव, नेवी संघ महोतरी के जिला नेता आशुतोष झा नवीन, क्विक रिस्पॉन्स टीम के गोविंद राय चंदन लगातक दर्जनों नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता छल। डॉक्टर केसी चिकित्सा शिक्षा सुधार लगातक मांग सहित भादो 29 गते जुमला से 19 अनशन शुरू केने छला, हुनका आसीन 6 गते काठमांडू लऽ जाओल गेल छल। 2022 के लिए अमेरिकी सरकार के डाइवर्सिटी वीसा डीवी बुध दिन रात से खुज रहा है। काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास नेपाली समय अनुसार बुधक रात 9:45 के बाद आवेदन खुला करबाक जनौलक। अमेरिका हर एक वर्ष डीवी भरल सबके चिट्ठा मार्फत अमेरिका लौ जाए डीवी पढ़ के अमेरिका जाए वाला सब ओत ग्रीन कार्ड पबित है। हर एक वर्ष नेपाल से पैघ संख्या में नेपाली सब डीवी मार्फत अमेरिका जाए। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के वैधानिकता प्रदान कलक। राप्रपा के अध्यक्ष कमल थापा राप्रपा के एकीकरण के निर्वाचन आयोग वैधानिकता देने से जानकारी दिलन। अध्यक्ष थापा पार्टी एकीकरण से वैधानिकता पेने प्रति खुशी व्यक्त करे। 2073 साल के एकता महाधिवेशन के बाद विभाजित भेल पार्टी के अपने कार्यकाल में पुनः एकीकृत कह सकला प्रति खुशी व्यक्त करत गौरव लागल बतौलन। एकीकरण के बाद अब राप्रपा के झंडा में 11 रहत आ चुनाव चिन्ह हर है। अध्यक्ष थापा अगला चुनाव से राप्रपा के देश के अग्रणी शक्ति बनेबाक संकल्प से हो व्यक्त केने छथि। निर्वाचन आयोग के धन्यवाद दैत थापा सामाजिक संजाल में लिखने छथि जे आप राप्रपा के झंडा में गया रहत आ चुनाव चिन्ह हर अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सुनवाई अनिश्चित भेल। सर्वोच्च अदालत में बुध दिन सुनवाई तो कैल उपाध्यक्ष गौतम संग संबंधित रिट ऊपर के सुनवाई स्थगित कैल गेल। न्यायाधीश आ किछ कर्मचारी में कोरोना संक्रमण भेलाक बाद 3 दिन से सर्वोच्च अदालतक सेवा प्रभावित भेल। तैं गौतम के सुनवाई सेहो अनिश्चित भेल। बुध दिन दुनू सर्वोच्च में इजलास
तोकल गेल अछि। न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत आ बम कुमार श्रेष्ठ के संयुक्त आ न्यायाधीश हरि फुयाल के कल दूटा इजलास मात्र तोकायल छल। नेकपा उपाध्यक्ष गौतम के राष्ट्रीय सभा सदस्य पद संबंधी रिट सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित के पूर्ण इजलास में सुनवाई भ रहल छल, मुदा बुध दिन ओ इजलास नहीं राखल गेल। आसिन 14 गते सुनवाई भेल। गौतम के रिट देखते देखते में आसिन 16 गते सुनवाई कयल गेल छल। ओतहि दिन के बाद सुनवाई नहीं समाप्त भेला सँ बुध दिन के लेल तोकायल छल, मुदा सर्वोच्च में किछ न्यायाधीश कोरोना संक्रमित भेल आ हुनका सब संगे के संपर्क में रहल और न्यायाधीश होम क्वारंटाइन में रहलाक बाद सुनवाई कहिया हैत से निष्कर्ष नहीं लाग सकल, सर्वोच्च स्रोत जानकारी देलक अछि। लहान ठाढ़ी सहायक सड़क खंड के सखुआ नन कारकट्टी गांव पालिका 5 महेशबारी में ऑटो रिक्शा आपस में ठोकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। भगवानपुर गांव पालिका 10 के 20 वर्षीय रंजू कुमारी यादव के मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक। दक्षिण से उत्तर दिस जा रहल 101-3320 नंबर के ऑटो रिक्शा आ विपरीत दिशा से आबि रहल अनटेस्ट ऑटो रिक्शा आपस में ठोकरायल, पुलिस जनौलक। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल रंजू के इलाजक लेल लऽ जात काल बाटे में मृत्यु भेल छल। ऑटो रिक्शा में सवार सिरहा के लक्ष्मीपुर पतारी गांव पालिका 6 के 65 वर्षक मोहम्मद रहमान, 30 वर्षक मोहम्मद अब्दुल्ला रैना, भगवानपुर गांव पालिका 1 के 30 वर्षीय पूनम यादव घायल भेली अछि। उनका सबके स्थानीय क्लिनिक में इलाज चल रहल, इलाका प्रहरी कार्यालय लहान जनौलक अछि। परसा के कालिका माई गांव पालिका के गंगोल नदी में एक महिला के लाश भेटल। बुध दिन भिनसर 9 बजे कालिका माई गांव पालिका 4 गंगोल नदी में करीब 35 वर्षीय महिला के लाश भेटल। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के प्रहरी निरीक्षक दीपक थापा जानकारी दिलन, लाश के शनाख्त नहीं भ सकल। महिला के हाथ पैर बांधल, मुंह में किछ कोचल अवस्था में लाश भेटल छल। लाश पोस्टमार्टम के लिए नारायणी अस्पताल में राखल गेल। घटना संबंधी थप अनुसंधान भ रहल। महिला के मुंह में किछ वस्तु कोंसिका हाथ पैर बांध कऽ हत्या केने प्रारंभिक अनुसंधान में खुजल से पुलिस जानकारी देलक अछि। 24 दिन से अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा के मांग करत परसा जिला में विभिन्न संघ संगठन आंदोलित भेल। सचेत नागरिक वीरगंज आयोजना के ने सरकार विरोधक प्रदर्शन में सहभागी होत चिकित्सक अधिकार कर्मी विभिन्न सामाजिक संघ संस्था तथा राजनीतिक दल में आबद्ध व्यक्ति सब वीरगंज के घंटाघर चौक में प्रदर्शन केने छल। नेपाली जनता के स्वास्थ्य के अभिभावक डॉक्टर केसी स्वास्थ्य क्षेत्र एवं शिक्षा क्षेत्र के व्यथिति और सुधार के लिए केने 19वां सत्याग्रह के समर्थन में के बद्धता जनबत परसा में विभिन्न संघ संगठन सब आंदोलित होत प्रदर्शन कलक। प्रदर्शन में सहभागी सब डॉक्टर केसी उठौने मांग अविलंब पूरा कर हुनक जीवन रक्षा कर के मांग रखने छल। ओ सब डॉक्टर केसी के अनशन, माफिया के टेंशन, लूट तंत्र बंद कर, करनाली में अविलंब MBBS के पढ़ाई शुरू कर, अख्तियार ऊपर के हस्तक्षेप बंद कर, दलीय भाग भंडार नहीं कर पैत लगा तक नारा लगबत प्रदर्शन केने छल। जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं अभियंता ओम प्रकाश सर्राफ डॉक्टर केसी के जायज मांग पूरा नहीं कर सरकार उल्टे मेडिकल माफिया के कब्जा में रहल से आरोप लगौने छल। परसा पुलिस लागू औषध अफीम सहित एक गोटे के पकड़लक। पुलिस परसा के कालिका माई गांव पालिका 1 3 डुबिया रहनिहार 29 वर्षक खुबारी प्रसाद कुर्मी के 8 किलो लागू औषध अफीम सहित पकड़लक। कुर्मी लागू औषध अफीम अपन घर में नुका कर रखने सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के प्रहरी निरीक्षक दीपक थापा के नेतृत्व में रहल टोली घर में छापामारी के अफीम सहित ओकरा पकड़लक। पकड़ल कुर्मी के लागू औषध अफीम सहित थप अनुसंधानक लेल इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया में राखल गेल, परसा के प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजीत कुंवर जानकारी देने छथि। मोहतरिक गौशाला नगर पालिका के सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था के जिला के नमूना स्वास्थ्य संस्था के रूप में स्थापित करबाक नगर प्रमुख शिवनाथ महतो उद्घोष कलने छ। बुध दिन गौशाला नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा आयोजना के ने आर्थिक वर्ष 76-77 के स्वास्थ्य संस्था के वार्षिक समीक्षा बैसार के संबोधन करत नगर प्रमुख महतो तो कैल समय में उत्कृष्ट कार्य संपादन क ओ जिम्मेवारी पूरा करबाक लेल स्वास्थ्य कर्मी के निर्देशन दिलन। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर के वातावरण
सब तैयार करू। स्वास्थ्य कर्मी के नगर प्रमुख महतो आग्रह कलन ओकलन नगरपालिका हरेक किस्म के सहयोग करे लेल तैयार है, चाहे भौतिक सुविधा हुए या स्वास्थ्य संग संबंधित विषय वस्तु। नगरपालिका समय में वातावरण निर्माण कर तैयार है। नगर प्रमुख महतो स्वास्थ्य शाखा के संयोजक के निर्देशन दैत कहलन जे अहां अनुगमन करू, गलती करे वाला के कार्यवाही आ नीक काज के प्रशंसा क के हौसला बढ़ाओ। आब कार्यालय में बैस के कलम चला के मात्र नहीं हैत, फील्ड में जाकर समस्या के पहल करू। अधिकांश समय स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत रहल स्वास्थ्य कर्मी सब के समस्या तो काल समय में समाधान करू से ओ बतौलन। कार्यक्रमक बीच नगर प्रमुख महतो न्यूनतम शुल्क निर्धारण क रोगी पुर्जा लागू क हरेक स्वास्थ्य संस्था में चुस्त दुरुस्त तरीका से स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर पर जोर से दिलन। मोहतरी से चोरी के मोटरसाइकिल सहित दू गोटे पकड़ाएल है। पकड़ाएल व्यक्ति गौशाला नगर पालिका 8 के 19 वर्षक सुरेंद्र कुमार शाह आ 22 वर्षक सुनील कुमार महतो है। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट देने जानकारी अनुसार वो सब रवि दिन जिला के समसी गांव पालिका 7 स्थित मंदिर लग से भारत बिहार के सीतामढ़ी जिला भेड़ियाही ग्राम पंचायत रहनिहार गोविंद यादव के BR30F64438 नंबर के मोटरसाइकिल चोरी का मंगल दिन वह मोटरसाइकिल चोर का समसी से गौशाला दिस जा रहा अवस्था में पुलिस दोनों गोटे के पकड़ लक। चोरी के मोटरसाइकिल सहित पकड़ाएल दोनों गोटे के चोरी मुद्दा में महतर जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप का आवश्यक अनुसंधान के काज आगा बढ़ाओल गेल से बताओल गेल छ। सप्तरी के छिन्नमस्ता गांव पालिका आर्थिक वर्ष 2076-77 में मोबाइल आ लैपटॉप खरीद में 56 लाख से बेसी रुपया खर्च कलक। कोरोना महामारी के कारण गरीब तथा विपन्न वर्गक जनता लगातार के बंदाबंदी के कारण से भूखले रह पड़वाक अवस्था में छिन्नमस्ता गांव पालिका मोबाइल सेट आ लैपटॉप खरीद में 56 लाख से बेसी रुपया खर्च कने बात खोजल। गांव पालिका के एजेंसी शाखा के तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 में गांव पालिका 7 थान मोबाइल सेट खरीद में 2,88,010 रुपया आ वीवो कंपनी के 3 थान मोबाइल सेट खरीद में 1,89,600 रुपया खर्च भेल जनौलक। तहिना सैमसंग कंपनी के 2 थान मोबाइल सेट खरीद में 32,000, नोकिया कंपनी के 6 थान मोबाइल सेट खरीद में 24,300 आ रेडमी मोबाइल सेट 3 थान खरीद में 1,35,000 रुपया खर्च भेल जनौलक। गांव पालिका खरीद केने ओ मोबाइल सेट सब अधिकांश जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सब चलाइब रहल छथि। गांव पालिका के अनुसार रेडमी मोबाइल सेट 3 थान खरीद में 1,35,000 रुपया खर्च भेल छ। तहिना गांव पालिका खरीद केने ओ मोबाइल सेट सब अधिकांश जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सब चलाइब रहल स्रोत जनौलक। मुदा मोबाइल सेट खरीद के नाम में बजट खर्च भ चुकल जिनसी शाखा के तथ्यांक में उल्लेख है। तहिना 35 थान लैपटॉप खरीद में 26,75,344 रुपया 95 पैसा, एसुस कंपनी के लैपटॉप 16 थान खरीद में 14,15,262 रुपया 10 पैसा आ 37 थान प्रिंटर आ बिलिंग प्रिंटर खरीद में 88,07,095 रुपया 75 पैसा खर्च भेल जनाओल गेल छ। छिन्नमस्ता गांव पालिका मोबाइल सेट आ लैपटॉप खरीद में कुल 56,46,611 रुपया से बेसी खर्च केने गांव पालिका स्रोत जनौलक। मुदा ओ मोबाइल सेट आ लैपटॉप खरीद नहीं कर गांव पालिका रकम भुगतानी देने स्थानीय के आशंका है। फर्जी बिल बनाकर बजट समाप्त केने भ सकबाक स्थानीय के कहब। स्थानीय जनप्रतिनिधि सब सेहो अपना सब एखन धरि गांव पालिका से कोनो मोबाइल सेट अथवा लैपटॉप प्राप्त नहीं केने बतौलन। छिन्नमस्ता गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष वीरेंद्र शाह मंडल स्वयं अपन वार्ड में एखन धरि वार्ड सचिव के सेहो लैपटॉप तथा मोबाइल नहीं देखने आ अपनों